कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इसे शुरू से अंत तक देखना चाहिए। यह कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे अधिक खुश हैं। शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। इस तरह आप व्यक्तिगत विकास, संबंधों और आत्म सुधार पर अधिक मूल्यवान वीडियो के साथ अपडेट रहेंगे। जैसे जैसे हम इस कहानी में तल्लीन होंगे, हम सीखेंगे कि कैसे हमारी धारणाएं और तुलनाएं अक्सर हमें अपने जीवन की सुंदरता से अंधा कर देती है। इसलिए इस प्रेरक कहानी को ध्यान से सुने जो हमें आत्मस्वीकृति का महत्व सिखाती है और हमारे पास पहले से मौजूद जीवन में आनंद प्राप्त करती है। एक बार एक कौआ एक बड़े फलते फूलते जंगल में रहता था। यह कौआ किसी अन्य कौए से अलग था। वह अपने अस्तित्व से बेहद असंतुष्ट था। हर दिन वह अन्य प्रजातियों को ईर्ष्या के साथ देखता था, यह महसूस करते हुए कि उनके पास अपनी तुलना में अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन इतना नीरस और अर्थहीन क्यों लग रहा था। जैसे ही वह एक बड़े ओक के पेड़ की शाखा पर बैठा, उसका दिल दुख से भरा हुआ था। वह रोने लगा। उसके आंसू जंगल में बह रहे थे। एक उदासी की आवाज जिसने ध्यान में पेड़ के नीचे बैठे एक भिक्षु का ध्यान आकर्षित किया। प्रकृति में खोए हुए भिक्षु ने अपने गाल पर एक बूंद गिरने का अनुभव किया। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और कौए को रोते हुए देखा। चिंतित और सहानुभूति से भरे भिक्षु ने धीरे से उसे पुकारा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो? कौए ने जवाब दिया, उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, ओ बुद्धिमान, मेरा अस्तित्व दुख से भरा है। मैं जंगल में सबसे अधिक तिरस्कृत प्राणी हूं। मनुष्य मुझसे बचते हैं, तिरस्कार में मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और कोई भी मुझे दान से नहीं खिलाता है। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नियमित रूप से शत्रुता और अवमानना का सामना करना पड़ता है। इस दयनीय जीवन को जारी रखने की तुलना में मृत्यु को स्वीकार करना बेहतर होगा। कौवे की भयानक कहानी से प्रभावित होकर भिक्षु ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा। परेशान पक्षी को ज्ञान प्रदान करने की कोशिश में वह धीरे से बात कर रहा था। मेरे दोस्त, उन्होंने शुरू किया, खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह मन की एक स्थिति है, एक निर्णय जो हम लेते हैं। हमें जिस भी परिस्थिति में खुद को पाते हैं उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौआ उसकी पीड़ा से अभिभूत भिक्षु के शब्दों को समझने में असमर्थ था। वह रोता रहा, उसके आंसू उसकी गहरी पीड़ा को दर्शाते थे। यह देखते हुए कि उनके शब्दों का बहुत कम प्रभाव पड़ा, भिक्षु ने कौवे को एक वैकल्पिक विकल्प देने का फैसला किया। निराश मत हो मेरे दोस्त, उसने धीरे से जवाब दिया। मुझे बताओ, अगर आप चुन सकते हैं तो आप क्या बनना चाहेंगे? मेरे पास एक मंत्र है जो आपको कुछ भी में बदल सकता है जो आप चाहते हैं। यह सुनकर कौवे की आंखें आशा से चमक उठीं। उन्होंने कहा, ओह धन्य व्यक्ति, अगर आप मुझे यह इच्छा दे सकते हैं तो मैं एक हंस बनना चाहूंगा। वे बहुत सुंदर और सुंदर हैं, उन्हें जीवित सबसे खुश प्राणियों में से एक होना चाहिए। भिक्षु ने सोच समझकर सिर हिलाया, बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपका धर्म परिवर्तन करूं, मैं आपको हंस के साथ बात करने की सलाह देता हूं। पूछिए कि क्या वह वास्तव में अपने जीवन से संतुष्ट है, फिर मेरे पास वापस आओ और हम देखेंगे कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। खुशी का भूखी कौआ राजी हो गया और हंस की तलाश में उड़ गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक हंस को एक शांत तालाब की सतह पर सुचारू रूप से उड़ते हुए पाया, जिसके पंख बर्फ की तरह सफेद थे और एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में धूप को प्रतिबिंबित करते थे। कौआ अपनी नजरों में प्रशंसा के साथ हंस के पास गया। ओह हंस, उसने कहा, तुम बहुत सुरुचिपूर्ण और सुंदर हो। आपके पंख दूध की तरह शुद्ध हैं और आप जहां भी जाते हैं हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने कौवे को देखा और गहरी आह भरी। नहीं मेरे दोस्त, उसने कहा, उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी, मैं उतना खुश नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। हालांकि मैं बाहर से खूबसूरत दिखती हूं, लेकिन मेरा जीवन इसकी कठिनाइयों के बिना नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्यारे रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मैं सादा हूं, सिर्फ सफेद, एक ऐसा रंग जिसे कुछ लोग उबाऊ मान सकते हैं। मैंने हमेशा तोते के चमकीले
रंगीन पंखों को पसंद किया है। निश्चित रूप से तोता ग्रह पर सबसे खुश पक्षी है। जब कौवे ने यह सुना तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने खुशी की अपनी खोज जारी रखने का संकल्प लिया। तोते की तलाश में उड़ान भरने से पहले उन्होंने हंस को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद उन्हें एक शाखा पर बैठा एक तोता मिला, जिसके पंख हरे, नीले और लाल रंग में चमक रहे थे। कौवा पास आया और चिल्लाया, ओह तोता, तुम बहुत जीवंत और उज्ज्वल हो, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने कौवे की ओर देखा, उसकी आंखें अफसोस से भर गईं। नहीं मेरे दोस्त, उसने धीरे से कहा, मैं उतना खुश नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। हां मेरे पंख आश्चर्यजनक हैं, लेकिन उन्होंने मुझे निशाना भी बनाया है। लोग मेरे जैसे तोते को पकड़ने और उन्हें अपने आनंद के लिए पिंजरों में रखने का आनंद लेते हैं। मुझे पकड़े जाने और कैद किए जाने का लगातार डर रहता है। मेरे चमकीले रंग एक आशीर्वाद और एक अभिशाप हैं। मैं अक्सर मोर की तरह बनना चाहता था, इसके और भी शानदार पंखों के साथ। निश्चित रूप से मोर अस्तित्व में सबसे खुश पक्षी है। जब कौवे ने यह सुना तो वह एक बार फिर हैरान रह गया। उसने तोते को धन्यवाद दिया और मोर की तलाश में चला गया। घंटों तक यात्रा करने के बाद उन्होंने एक चिड़ियाघर में एक मोर की खोज की, जो भीड़ से घिरा हुआ था और अपने पंखों के शानदार प्रदर्शन का आनंद ले रहा था। कौवा मोर के बहुरंगी पंखों को फैलाते हुए देख रहा था। उसके पंखों पर आंखें धूप में चमक रही थीं। आसपास के लोगों से आश्चर्य की चीखें निकल रही थी। जब भीड़ तितर बितर हुई तो कौवा मोर के पास गया और चिल्लाया, ओह मोर, तुम सबसे खूबसूरत पक्षी हो जिसे मैंने कभी देखा है। हर दिन हजारों लोग आपकी पूजा करने आते हैं। मेरे विपरीत, जिसे लोग घृणा में दूर धकेल देते हैं, आपको ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने कौवे को थका हुआ भाव दिया और जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैंने हमेशा सोचा है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन यह सुंदरता एक उच्च लागत पर आती है। अपने सुंदर पंखों के कारण मैं इस पिंजरे में फंस गया हूं, एक ऐसे जीवन की निंदा कर रहा हूं जिसमें मैं लोगों के लिए प्रशंसा करने के लिए एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं हूं। लोग सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे पंख तोड़ते हैं और हटाए गए प्रत्येक पंख से ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा का एक टुकड़ा फट गया हो। मेरा अस्तित्व बाधाओं और दुख के साथ एक है। इस चिड़ियाघर में मैंने देखा है कि आप कौवा एकमात्र पक्षी हैं जिन्हें पिंजरे में नहीं रखा गया है। आप जहां चाहे वहां उड़ सकते हैं और कोई भी आपको पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। कई दिनों तक मुझे आपसे ईर्ष्या हुई और मैंने कल्पना की कि अगर मैं कौवा होता तो मैं दुनिया को उन जंजीरों से मुक्त कर सकता था जो मुझे बांधती है। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। वह हमेशा सोचता था कि वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी है, लेकिन यहां मोर था, सुंदरता का शिखर, उसकी स्वतंत्रता से ईर्ष्या करता था। यह उनके लिए एक गहरी खोज थी। समझ की एक नई भावना के साथ कौवा भिक्षु के पास लौट आया। वह भिक्षु के साथ उतरा और कहा, ओह बुद्धिमान, मैंने महसूस किया है कि हर प्राणी की अपनी चुनौतियां होती हैं और खुशी किसी और के होने से नहीं आती है। मैं हंस, तोते और मोर से मिला और उनमें से कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं लग रहा था। वे सभी कुछ ऐसा चाहते थे जिसकी उनके पास कमी थी, जैसे मैंने किया था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच्चा आनंद इस बात से आता है कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है। मैं अब कौवा के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहता। भिक्षु मुस्कुराए, उनकी आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। उन्होंने मुझसे कहा, आज आपने एक बहुमूल्य सबक सीखा है मेरे दोस्त। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और मानते हैं कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम यह स्वीकार करना भूल जाते हैं कि हर किसी को लड़ने के लिए अपना संघर्ष करना पड़ता है। हम व्यर्थ की तुलना करते हैं, यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि सच्चा संतोष भीतर से आता है। दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जो अपने पास जो है उससे संतुष्ट है। एक हल्के दिल के साथ कौवा ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए उड़ गया। वह अब अन्य पक्षियों से ईर्ष्या नहीं करता था या एक अलग जीवन नहीं चाहता था। पहली बार वह होने के लिए बहुत आभारी महसूस करता था जो वह था, एक कौवा जो पूरे आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र था। इसलिए कौवा ने अपने पंखों में संतुष्टि प्राप्त करना सीखा
यह सीखते हुए कि संतुष्टि की कुंजी कोई और बनना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की अनूठी सुंदरता की सराहना करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि खुशी कुछ खोने के बजाय पहले से ही हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करने में पाई जाती है। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे पसंद करें, इसे दोस्तों के साथ साझा करें और आत्मसुधार और व्यक्तिगत विकास पर अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लेना न भूलें।